ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माय टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। आपका स्वागत है, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। लगातार एक चौथाई तक कम हो चुके हैं, फिर भी महंगे दाम पर कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। दरअसल निजी लैब पर कोरोना टेस्ट की तय कीमत की फिर भी समीक्षा की मांग उठ रही है। प्रदेश में फिलहाल निजी लैब पर 2200 रुपए में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, जबकि अधिकांश पड़ोसी राज्यों में 1500 से 1600 की दर तय की गई है। पीसीसी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है और पत्र लिखकर टेस्ट कीमत की फिर से समीक्षा करने की मांग उठाई गई है। गुप्ता ने बताया कि जब राजस्थान में तय किए गए थे टेस्ट के लिए 2200 रुपए, उस दौरान आरटीपीसीआर किट की बाजार में कीमत 1100 से 1200 रुपए थी, लेकिन अब प्रतिस्पर्धा के दौर में ये किट बाजार में सिर्फ 200 रुपए में ही उपलब्ध हो रही है। ऐसे में किट के दाम को देखते हुए फिर से कोरोना टेस्ट की कीमत की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि निजी अस्पतालों में उपचारत लोगों की जेब पर जांच का भार कम हो सके। इनिशियल स्टेज पे किट की कीमत ज्यादा होगी तो 2200 किया हमने, उसको रिव्यू करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। अभी हमने जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में सामान्य बेड पे कितना, आईसीयू बेड पे कितना और वेंटिलेटर पे कितना चार्ज होगा, उसके बाद भी कितने अंतराल में कौन सी दवाई की क्या चार्ज करेंगे, खाने का क्या रहेगा, टोटल हमने पैकेज दिया था, उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज करा रहे हैं या प्राइवेट लेबोरेटरी में जो जाँच कर रहे हैं, उनकी कीमतों की तो समीक्षा होती रहनी चाहिए और करेंगे हम लोग। तो मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि समीक्षा होती रहती है और समीक्षा होनी चाहिए, इसका मतलब ये निकाल कर चले कि जल्दी इस पर फैसला सरकार ले सकती है। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और साथ में कोरोना निजी अस्पतालों के अंदर जो भर्ती मरीज है उनके लिए बहुत बड़ी जेब पर भार भी है, क्योंकि अभी उस वक्त प्रदेश के अंदर कोरोना की जाँच जो है उसके लिए प्रति जाँच 2200 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले ये जाँच की कीमत थी 45, हमने ये पूरा मुद्दा उठाया था, तब जाकर के सरकार ने इस मामले पर रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद में इसकी रेट जो है 2200 रुपए की थी, लेकिन 2200 तब जो आर्टिफिशियल किट है उसकी रेट थी बाजार के अंदर 1100 से 1200 रुपए। अब जो चल रही है बाजार के अंदर उसमें अब ये किट की कीमत जो है 2200 रुपए के बीच में आ गई है, यानी कि तकरीबन 20% रेट जो है किट की आ गई। टेस्ट के दाम कम किए जाने से टेस्ट के दाम काफी कम है, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, जगह पर भी टेस्ट के दाम है वो 1500-1200 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में ये पूरा मामला जो है जनता जुड़ा हुआ इशू है और सरकार हर मामले में गंभीर है। आप देख सकते हैं निजी अस्पतालों को लेकर किस तरह से कैंपेन की गई थी, हर दाम को लेकर के दाम तय किए गए, साथ में ये तय किया गया था इससे ऊपर दाम नहीं वसूल जाए, पूरी मॉनिटरिंग के बड़ा ऑर्डर जारी किया गया था। उसी तरह से अब कोरोना टेस्ट है उसकी जो दरें निर्धारित की गई है उसकी भी एक बार समीक्षा होनी चाहिए। खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी इसको स्वीकारा है कि हर बार हर मुद्दे पर समीक्षा होती रहती है, समीक्षा की जरूरत हुई तो इनके दामों को एक बार फिर से रिव्यू करके और कम किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और